सो फाइनली दोस्तों, सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म महाराणा प्रताप, जिसका फैंस लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, भाई साहब दो नए विलन की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली से भी खतरनाक होगी महाराणा प्रताप, और पूरे बॉलीवुड के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है जो पूरे महाराणा प्रताप के कैरेक्टर को शूट करता है, वो है हमारे सनी देओल, जिनका 2.5 किलो के हाथ में जब भाला हाथ में वो पकड़ेंगे तो भाई साहब पूरी तरीके से हमारे सन्नी पाजी पे वो भाला भी शूट करेगा। महाराणा प्रताप के पूरे गेटअप में, हिंदू साम्राज्य के गेटअप में भाई साहब जो शख्स नजर आएंगे, जिसको पूरा हिंदू साम्राज्य देखना चाहता है, एक ऐसी फिल्म है जो बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है, महाराणा प्रताप, जिसमें सन्नी पाजी बहुत ही बड़े कैरेक्टर, बहुत ही बड़े रोल में नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, सन्नी देओल फैंस असेंबल है, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके आऊँ। सन्नी देओल बॉलीवुड मेगा स्टार, बॉलीवुड का बाप, दोस्तों बता दूं कि फिल्म सबके रिकॉर्ड तोड़ देगी, आरआईपी ऑल रिकॉर्ड। वीडियो को अंत तक देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो भाई लोगों, थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। मैं देख रहा हूँ सबके लाइक, सबके कॉमेंट भर भर के आ रहे हैं, एंड आप लोग ने दोस्तों मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, तो थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही कॉमेंट करते रहो, और ऐसे चैनल सब्सक्राइब करते रहो। आपके सामने आपका भाई लेटेस्ट खबर अपडेट लाता रहेगा बॉलीवुड की, और छपरियों की बजाता रहेगा। जी हाँ वेल दोस्तों, मैं बता दूँ, महाराणा प्रताप के डायरेक्टर है विकी राणावत, और सुनने में आ रहा है कि शायद ये भी एकलव्य प्रोडक्शन हाउस के, जी हाँ दोस्तों, अंडर बैनर में बनेगी। इस फिल्म का बजट कहा जा रहा है लगभग 100 करोड़ के ऊपर होगा। विकी राणावत एक डायरेक्टर है दोस्तों, और वो खुद भी मेवाड़ जिले से हैं, राजस्थान से। आपको बता दूँ, विकी राणावत का बैकग्राउंड बताऊँ तो मैंने कई वीडियो में बता भी रखा है, बट ठीक है, कुछ नए यूज़र भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो आपको बता दूँ कि विकी राणावत एक डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, और सम टाइम प्रोड्यूसर भी है। उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन की फिल्में, और दोस्तों कई ऐसी फिल्में बनाई है जो हालांकि इतनी बड़ी तो नहीं बन पाई है, लेकिन हाँ, उनका बॉलीवुड में कई फिल्मों के साथ डेब्यू हुआ है। कई फिल्में उन्होंने की है, लाइक जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म की है, अनूप जलोटा के साथ फिल्म की हुई है, सत्य साई बाबा करके फिल्म आई थी दोस्तों, वो 2021 में फिल्म आई थी उनकी, जो कि उसमें जैकी श्रॉफ एक नॉन फेस थे। इससे पहले बता दूँ कि 15 अगस्त, न्यायदाता, दीवाना सनम, ज्वाला, डाकू, काबू, ऐसी कई फिल्म आई है, लेकिन हाँ यस, इतनी बड़ी वो हिट नहीं हुई है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर नहीं हुई है, नॉर्मल काइंड ऑफ उन्होंने मेहनत पूरी की है। तो विकी राणावत जो है बेसिकली महाराणा प्रताप के रूप में सन्नी पाजी को लेकर आ रहे हैं, एंड भाई साहब सन्नी पाजी इस बार, जो कि हम सबको पता है कि भाई ऐसे रोल अगर मिलते हैं ना पाजी को, तो भाई साहब वो दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देंगे। आप देख सकते हो दोस्तों कि सन्नी पाजी को ऐसे रोल काफी ज्यादा सूट करते हैं, जहां एक तरफ पाजी ने गदर मचा दिया, जहां एक तरफ सन्नी पाजी के नाम से पाकिस्तान कांपता है, वहीं सोचो दोस्तों अब सन्नी पाजी जब महाराणा प्रताप का गेटअप लेकर, जी हाँ दोस्तों, अकबर और उसकी सेना को धूल चटाएंगे, तो आप सोच सकते हो कि 2.5 किलो के हाथ से जब भाला ऐसे फेंकेंगे, एक साथ 100-100 सेना मरेंगे दोस्तों, 100-100 सेना। सो काफी पावरफुल रोल है दोस्तों इस फिल्म का, जो पहले से इसका प्री प्रोडक्शन चलते आ रहा है। आपको बता दूं, विकी राणावत मेहनत कर रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आई है, लेकिन इस फिल्म की दोस्तों अब शुरुआत हो चुकी है एक अच्छे तरीके से। आपको बता दूं कि सन्नी पाजी जो है अभी सितंबर एंड तक बिजी है, उसके बाद बॉर्डर 2 रामायण भी जाएंगे। इस साल के दोस्तों नवंबर से इस फिल्म की शूटिंग परमानेंटली स्टार्ट हो जाएगी ढंग से। अभी इसकी जो है स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है, कास्टिंग में सन्नी देओल फाइनल हो चुके हैं। अभी दोस्तों दो नए बड़े चेहरे आ चुके हैं, जिसमें से एक है संजय दत्त। अब अकबर का रोल कौन प्ले करेगा, तो भैया अकबर के रोल के लिए संजय दत्त का चयन किया जा रहा है, और एक और नाम आ रहा है दोस्तों, उनका नाम है अर्जुन कपूर। जी है दोस्तों, ये दो नए चेहरे जो है सन्नी पाजी के साथ युद्ध कर सकते हैं महाराणा प्रताप। आपको बता दूं कि दोस्तों महाराणा प्रताप जो थे सिसोदिया वंश के राजपूत थे, और राजस्थान का मेवाड़ उनका किंगडम हुआ करता था। आपको बता दूं कि उन्होंने हल्दी घाटी की कई युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी है अकबर के एंड मुगलों की सेनाओं से, अकबर को भी कई दफ़ा धूल चटाई है। महाराणा प्रताप के लिए बहुत रिस्पेक्ट है दोस्तों, और हिंदू साम्राज्य के अंदर, सनातन के अंदर महाराणा प्रताप को हम पूजते हैं। ऐसे में दोस्तों ये पूजनीय रोल अगर सन्नी पाजी को मिलता है तो बेहद ही लाजवाब होगा। ऑफकोर्स यार, सन्नी पाजी ऐसे किरदारों को कर रहे हैं ना, जैसे कि रामायण में हनुमान जी का रोल प्ले करना, फिर सन्नी पाजी महाराणा प्रताप रोल प्ले करना, अपने आप में यार वो ऐसे रोल को प्ले कर रहे हैं जिसके लिए जनता नमन करेगी भाई, ऐसे रोल को, सन्नी पाजी को नमन करेगी, एंड ऐसे रोल ही उनको सूट करते हैं। जी हाँ,
जिसके अंदर एक्शन भरपूर हो, जिसके अंदर पाकिस्तानियों की मुगलों की बैंड बजाते रहे। दोस्तों संजय दत्त इसके अंदर अकबर का रोल प्ले कर सकते हैं और अर्जुन कपूर का भी कहा जा रहा है कि अगर संजय दत्त शूट नहीं किया, हालांकि दो ऑप्शन है अकबर रोल के लिए, अर्जुन कपूर या संजय दत्त, आपको कौन सा रोल ज़्यादा अच्छा लगेगा? संजय दत्त का रोल अच्छा लगेगा अकबर के रूप में या अर्जुन कपूर का रोल ज़्यादा अच्छा लगेगा अकबर के रूप में? वैसे मेरे हिसाब से संजय दत्त का ही फाइनल चयन करना चाहिए, क्योंकि अकबर के रोल में यानी सन्नी पाजी के अपोजिट में, क्योंकि दोनों ही पुराने स्टार हैं 90s 80s के, तो मुझे लगता है कि संजय दत्त अकबर के रोल में ज़्यादा फिट होंगे और दोनों का जो फेस ऑफ होगा सनी देओल एंड संजय दत्त का, भाई सब काफी ज्यादा पावरफुल होगा। हाँ, अर्जुन कपूर को शायद दूसरा एक रोल दिया जा सकता है, एज ए मुगल विलन, एक सब विलन का रोल दिया जा सकता है, बट यस संजय दत्त मेरे हिसाब से फाइनल चॉइस होनी चाहिए एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू विक्की राणावत कि संजय दत्त को लॉक कर दिया जाए। दोस्तों आपके हिसाब से कौन अकबर का रोल ज्यादा प्ले अच्छा कैसे कर सकता है, संजय दत्त या अर्जुन कपूर, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए दोस्तों इस फिल्म का शूटिंग इस साल के एंड से स्टार्ट हो जाएगा। अभी फिल्म कब तक आएगी, कई लोग पूछ रहे थे कि सर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आएगा और फिल्म रिलीज कब होगी, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट 2025 में ही आएगा दोस्तों, इस साल चांसेस कम लग रहे हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि बहुत ही साइलेंट तरीके से फिल्म की शूटिंग, फिल्म की प्री प्रोडक्शन एंड फिल्म की स्क्रिप्टिंग एंड फिल्म की कास्टिंग पे काम चल रहा है, धीरे धीरे ही काम चल रहा है होले होले, क्योंकि सन्नी पाजी के पास इतने ज़्यादा स्केड्यूल्स हैं, सन्नी पाजी के पास इतने सारे अभी फिल्में हैं जिसको शूटिंग अभी चल रही है, तो उनके पास वक्त की कमी है। बट यस जैसे जैसे धीरे धीरे फिल्में रैप होती जाएगी, वो अपनी नई फिल्मों का प्रमोशन, नई फिल्मों की शूटिंग एंड प्रमोशन दोनों ही स्टार्ट करते हुए जाएंगे। सो ये फिल्म दोस्तों कहा जा रहा है कि 2026 तक आ सकती है, वो भी एंड में महाराणा प्रताप। और ये फिल्म भाई साहब बता दूं, बॉलीवुड ये फिल्म जो है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म तो होगी, जी हाँ, लेकिन ये फिल्म 6 भाषाओं 7 भाषाओं में आएगी, पैन इंडिया रिलीज होगी, वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और डब्ड करके रिलीज की जाएगी, सिर्फ नॉर्थ तक सीमित नहीं होगा। महाराणा प्रताप के अंदर दोस्तों आपको बता दूं कि बाहुबली 2 जैसा VFX रखा जाएगा, बाहुबली 2 जैसा पूरा सेटअप रखा जाएगा एंड SS राजामौली से इंस्पायर्ड होकर विक्की राणावत बहुत बड़ी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, जो शायद दोस्तों एक नया इतिहास बना सकती है। वैसे पृथ्वीराज चौहान के रूप में अक्षय कुमार ने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, पृथ्वीराज चौहान अभी फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जो कि अक्षय कुमार उसके अंदर नाकाम रहे, हालांकि फिल्म जो है मानुषी छिल्लर थी, लेकिन पता नहीं बॉक्स ऑफिस पे अक्षय कुमार की फिल्में आजकल चल नहीं रही है, ही सो अनलकी राइट नाउ, बट यस उम्मीद करते हैं कि यार सन्नी पाजी जो है लकी रहे और ऐसी फिल्में लेकर आए जो भाई साहब ना सिर्फ 1000 करोड़ कमाए, एक ऐसा इतिहास रच दे और बॉलीवुड की ईंट से ईंट बजा दे। बॉलीवुड में आजकल गंदी फिल्में, अश्लीलता पड़ोसी जा रही है, ऐसी फिल्में ना बनाकर सन्नी पाजी का एक ही डायलॉग है कि पब्लिक जो है वो देसी सिनेमा चाहती है और हम लोग हॉलीवुड सिनेमा बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या महाराणा प्रताप के लिए, मुझे पता है आर यू रियली एक्साइटेड, यस महाराणा प्रताप 2026 के एंड में आएगी। और दोस्तों बस इसके कास्टिंग को अभी इतनी खबर आई है मेरे पास, सोचा बता दूं। तो क्या लगता है संजय दत्त या अर्जुन कपूर अकबर का रोल किसको प्ले करना चाहिए एंड क्या लगता है दोस्तों ये फिल्म जो है इसमें सन्नी देओल शूट करेंगे महाराणा प्रताप? इसके अलावा सन्नी देओल की बहुत सारी फिल्में आ रही है, बाप सफर, सूर्या, बट लेट्स सी दोस्तों, संजय दत्त अगर इस फिल्म में काम करते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद एक बेस्ट, जैसे कहते हैं ना कि संजय दत्त का यार अभी KGF Chapter 3 में नजर आने वाले हैं, संजय दत्त की साउथ की बहुत सी फिल्में अभी पाइपलाइन में है, बाप मूवी भी उनके साथ एक आ रही है, जन्मभूमि में भी संजय दत्त है, ऐसे में संजय दत्त इस फिल्म में भी होते हैं तो 4 चांद लग जाएगा एंड सन्नी देओल के लिए एक बहुत ही बड़ा, जैसे कहते हैं कि ब्लॉकबस्टर तैयार है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट विलन को लेकर। जी दोस्तों किसको आप अकबर के रोल में देखना चाहोगे कमेंट करें जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर दोस्तों, ऐसी अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू सो मच।